सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग वापस आ चुके एक और नए टॉप 5 कूल टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज में। और गाइस, काफी लोग कह रहे थे कि टॉप 5 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की जो सीरीज है रेंगल मैप की, वो बहुत दिनों से नहीं आई। तो गाइस, वो भी आ जाएगी, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको जल्द से जल्द वीडियो देखने, तो बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सारी वीडियो जल्द से जल्द देख पाओ। और एक चीज, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइस मेक श्योर कर देना, क्योंकि वहां पर मैं पीएमपीएल डालता आता हूँ। आप लोगों को बताओ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये क्या है क्या नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहेंगे। मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा खुद से कि जाकर जरूर देखो, @godnixon_gaming। भाई काफी मजा आएगा, मैंने कुछ नया ट्राई किया, डब करने की ट्राई की, आई होप कि कुछ लोगों को पसंद आएगी। और अगर जो चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए वो भी वहां पर मुझे बता देना। और अगर आप लोगों को ट्रिक्स पता होती है, मिथ पता होती है, तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना या फिर आप वीडियो के कमेंट में कर देना, दोनों ही बहुत सही चीज है। तो चलो गाइस, सीधा भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बताता हूँ आज की ट्रिक, जो कि हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कंटेनर के पास। इसके पास आपके पास मस्ट एनडी वाली इमोट होनी चाहिए गाइस। आप ये देखना, इतनी खतरनाक ट्रिक है ना, बिल्कुल गायब हो जाओगे। आपको यहाँ पे आना है कोई भी कंटेनर के पास, ये कंटेनर पे अगर आप करोगे ना, बंदा बिल्कुल चकरा जाएगा कि कहाँ गया। अगर आपको भी बंदा पीछे से दौड़ा रहा है ना, अगर आप पे रश कर रहा है, अगर आपने परफेक्ट टाइमिंग पे कर दी, और ये ट्रिक क्लैश यूनिवर्स कर रहा है क्योंकि मेरे पास है नहीं एनडी वाली इमोट, तो मुझे थोड़ी उधार लेनी पड़ी। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एनडी वाली इमोट कर दो, देखो आप कैसे चले जाओगे। गाइस देख लो, पूरे के पूरे आप अंदर चले जाओगे, बिल्कुल नहीं दिखोगे। और अगर आपके सामने से कोई बंदा क्रॉस करेगा ना, वो ढूंढेगा कि यार यहाँ पे मैंने बंदा देखा था, कहाँ गया। और गाइस जैसे ही देखता है बूम, आपको क्या करना है, बस पीछे से वार कर देना उस पर। ये आप कोई भी कंटेनर में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सामने बंदा दिख जाए ना, आपको बस एक बार फायर का बटन दबाना, तो आपका जो एनडी इमोट कर रहा होगा ना बंदा, वो फटाफट खड़ा हो जाएगा। वरना जो अगर आप वेट करोगे इमोट खत्म होने का, तो थोड़ा टाइम लगता है, ये मस्त सोता रहता है। तो ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों ने एनडी वाला ये इमोट लिया है ना, कंटेनर पर करो और गाइस करके मुझे इंस्टा पर टैग करो, मस्त एकदम कर सकते हो। तो चलो गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में एक बहुत ही मस्त ट्रिक बताता हूँ मिलिट्री बेस की। आप इसमें जो कि स्टेयर्स पे बंदे कैंप करते हैं, उनसे कैसे बच सकते हो। और गाइस ये वाली वीडियो ना भाई एकदम नींद में बना रहा हूँ, तो अगर वॉइस ओवर पे कुछ दिक्कत हो जाए ना, तो यार सॉरी। और मैं इन गेम फेस कैम नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आउटर इंट्रो में करूँगा। तो वापस आते ट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे गाइस आपको आना है, यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन इमोट करनी है। और बस आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकडाउन इमोट करते करते FPP में स्विच करना है, तो आपको अंदर बंदा दिख जाएगी कौन कहाँ पे स्टेयर्स पे TP पे ले, और सीधा प्री फायर मार के घुसो, एकदम मौका ही मत दो। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेयर्स कैंपर्स को यहाँ पे आप नॉकडाउन कर सकते हो ब्रेकडाउन इमोट की मदद से। आपको बस स्टेयर्स पे यहाँ पे चढ़ना है और सिंपली ब्रेकडाउन वाली इमोट कर देनी है। और गाइस जैसा कि मैं बता रहा था, थोड़ा नींद में बना रहा हूँ, अगर वॉइस ओवर में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। और चलो अब बढ़ते गाइस सीधा नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो चलो गाइस अब बढ़ते पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी मेन ट्रिक है। ध्यान से सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। अगर आपको यहाँ पे कोई बंदा कोई घर से कैम्प करके देख रहा है, और वो आप पे फायर वायर कर रहा है, और आपके पीछे जोन आ रहा है और आपको उस तरफ जाना है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि स्मोक करके जाते हैं और सामने की तरफ कवर बनाते हैं। तो गाइस अभी आपको परफेक्टली क्या करना है ना, ये ट्रिक आप इतनी, अब तो मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटेटिव प्लेयर भी यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे है क्या। आपको बस क्या करना है गाइस, जहाँ पर एनिमी है ना वहाँ पे किसी भी तरीके से मार्क लगा देना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पे मार्क लगा के दिखाता हूँ। आप गए, बस आपको यहाँ पे विंडो पे मार्क कर देना है गाइस। अब आप लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया, अब आपको स्मोक करना है, जो कि आपका ओपन का कवर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्मोक कर दिया, क्योंकि अगर आपके पीछे जोन आ रहा है तो आप ऑब्वियसली स्मोक करके जोन में एंटर करते हो, कोई कवर आपके पास नहीं होता ओपन में। तो गाइस यहाँ पे स्मोक कर दिया आप लोगों ने, आप स्मोक में आ गए। अब आपको गाइस वापस जाना है यहाँ पे जहाँ पे आप मार्क करते हो रिसेंट में, और एक और बार वहाँ पे दबाना है, और बूम गाइस सीधा आपको मार्क पे शूट करना है। अगर बंदा वहाँ से पीक कर रहा होगा ना, तो सीधा उसको वहीं पे लगेगी और वो बोलेगा भाई कैसे मार दिया स्मोक में। एकदम खतरनाक ट्री है गाइस। जब भी आपको ओपन में कवर बनाना पड़ता है ना, आप मार्क का यूज़ करो, मार्क लगाओ, और अगर मार्क चला जाता है तो रिसेंट में जाके आप फिर से मार्क पे क्लिक करो, तो आपका मार्क जहाँ पे है वहीं पे अपीयर हो जाएगा। तो चलो गाइस अब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है यहाँ पे स्क्वाड हाउस की। अगर कोई बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा है ना स्टेयर्स के पास, तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं, आप एकदम श्योर होना चाहते हो। मेक श्योर ये भी चेक करना, आजकल बड़ी वीडियोस देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे बंदे प्रोन होकर बैठ जाते हैं, बूम बाम कर देते हैं। गाइस अगर आपको चेक करना है स्टेयर्स पे कोई बंदा है कि नहीं, आपको बस यहाँ पे सिंपली क्लोज आना है, कैमरा ऊपर की तरफ करना है, FPP में स्विच करना है, और गाइस आई बटन घुमाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बंदा बैठा है। मेक श्योर आपके हाथ में गन ना हो, अगर आपके हाथ में गन होगी ना तो आप पीछे बंदा नहीं देख पाओगे। देख सकते हो यहाँ पे मेरे हाथ में गन है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ नहीं कर पाओगे। मेक श्योर आपके हाथ में गन ना हो, और आपको पता है यहाँ पे कोई बैठा, सीधा प्री फायर मारो और गाइस डब्बा बना दो। ये ट्रिक आप यहाँ पे इसलिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब जोन एंड होता है ना स्क्वाड हाउस के अंदर, तो बंदा एक ना एक स्टेयर्स पे बैठ जाता है। तो अगर आपको श्योर चेक करना है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं, क्योंकि अगर आप प्री फायर मारोगे तो फिर आपको आगे जाके रिलोड करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे अलग BT होती है। तो आप यहाँ से सिंपली FPP करके आई बटन का यूज़ करके ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो।
तो चलो गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर 5 बताता हूँ। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर 5 में एक छोटी कूल ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि आप चेयर पार्क में नहीं, आप सीधा मीरामार में कर सकते हो। गाइस, अगर आपके पास कोई भी इमोट है ना जो जंप मारता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 100 आरपी वाला इमोट है, और अगर आपके पास सामने से कोई मिराडो आ रही ना, आप देखो बूम गाइस, आप देख सकते हो सीधा इसके ऊपर से गया। आप ये इन गेम भी कर सकते हो। मेरे को आज वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया था, तो इसीलिए मैं इन गेम नहीं कर पाया, बट आप ये सिंपली कर सकते हो। और जिनके पास वो यूनिकॉर्न वाली इमोट है ना, जो बंदा ऊपर से गिरता है भाई, वो तो बिल्कुल मक्खन की तरह इस इमोट को कर सकते हो, और सीधा आपके नीचे से मिराडो चली जाएगी, जीरो डैमेज। इन गेम करो, मजे लो। यहाँ पे मैंने इमोट की नहीं, आप लोगों को दिखाया कि क्या होता है। सो यस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये ट्रिक्स आप पे कुछ हेल्पफुल होंगी। भाई आज भी मुझे गर्मी में वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि अभी जस्ट लाइट अभी गई, और भाई बिल्कुल पता नहीं जब मैं वीडियो बनाऊँ तभी लाइट चली जाती है। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियो देखना पसंद है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है यार देख के, कि बंदे अप्रिशिएट कर रहे हैं काम। आप लोग जैसा करते हो, बस सब्सक्राइब कर देना, कुछ लोग भूल जाते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको काफी फनी कंटेंट मिलेगा और नई नई चीजें, तो वहाँ पे भी कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, टेक केयर।